एक ऐसी फैमिली को पहुंची है कि बुजुर्ग वालिद जो कि अपनी दो बेटियां यानी कि अल्लाह माफ करे दोनों ही बेटियां मजदूर ने और फिर दोनों साड़ियां भैन दी अगो वालदा मोहतरमा जो कि अल्लाह ताला को पहुंच चुकी हैं। हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। सही। लेकिन भाजी अल्लाह ताला कहते हैं जब पहलो तंगी है ना मुश्किल आजमाइशा में फिर अल्लाह ताला कहते हैं उस तो बाद फिर मैं थोड़ा की कुछ दिंदा खुशियां अपने अनामात अल्लाह ताला इन्ना बंदे हैप्पी कर देंदे हैं। हमें कैसा लगा जैसे हमारी टांगे आ गई है। अल्लाह ताला इन्नी ज्यादा खुशियां था मुबीन पे इसे खुशी दे नाल दोनों भैनों हजार हजार जी हम दोनों अपनी जिंदगी पे खुश हैं। लेकिन हम जब अपने बाबा को और अपनी बहन को देखते ना इस वजह से हमने हमें थोड़ा तकलीफ होती है। मैडम सादिया साहिबा और उन्होंने बहन दोवा ने रल के दोवा भैनों ने माशाल्लाह तोहफा पेश किया। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मुबीन भाई अलहमदुल्ला तवील सफ़र तो बाद कोशिश यही होंगी है कि यार हकदारा का हक हकदारा तक पहुंचे। अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला व्हीलचेयर का जरा तकसीम करने का सिलसिला जारी है सारी सी जी। तो उस एक ऐसी फैमिली को पहुंची है कि बुजुर्ग वालद जो कि अपनी दो बेटियां यानी कि अल्लाह माफ़ करे दोनों ही बेटियां मजदूर ने और फिर दोनों साड़ियाँ भैन दी अगो वालदा मोहतरमा जो कि अल्लाह ताला को पहुंच चुकी ने दिली दुआ के अल्लाह ताला उन्होंने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम ता फरमाया। आमीन। किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं किस तरह यानी कि अपने निज़ाम चला रहे हैं खुद ही यानी कि बुजुर्ग दसोगे जी। अस्सलाम वालेकुम बजी कैसी सेहत भी है ठीक है माशाल्लाह अलहमदुल्ला जी भाई अल्लाह पाक देखो ना माशाल्लाह साड़ी भैन फुल बोलते भी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अभी भाजी बोलते हैं माशाल्लाह अलहमदुल्ला भाजी कितनी देर शुरू तो सही या लेट हो ऐसी जिंदगी जिस तरह शुरू से सही भाजी कितनी कितनी एक इस टाइम तुम्हारी उम्र हो चुकी है एक अंदाजा नहीं तकरीबन अपनी बच्चियां अपनी वालद भी बन के वालदा बन के दोनों तरह कफालत की है माशाल्लाह। अल्लाह ने थोड़ा दुनिया च भी सवाब देना आखिर च भी बहुत देना अल्लाह कमरे पूरे आ जाते इस तरह साफ सुथरा माहौल क्योंकि इन्होंने साफ सारा जिन्होंने लत्तां तो मजदूरी है उन्होंने जमीन ते रिड़ के जाना जमीन तो रिड़ के जाना थोड़ा बहुत बजी चल लंदे हो कि नहीं थोड़ा बहुत काफी देर तो कमरे का इसरार कर दे सी मसलन की वजह यानी कि कमरा तुहानू नवा चाहिदा या जनाब वाला पुराने दी रिपेयरिंग चाहिदी या की सूरत याद नवा चाहिदा तो बेहतर है की क्योंकि ना ये हमारे छोटे भाई का किचन है ना फिर सर्दियाँ आती हैं यहाँ पर आग जलाते हैं ना फिर उनकी वजह से मेरे सांस का मसला हो जाता है आँखों का। अच्छा कमरे अंदर ही किचन है ना कमरे के अंदर किचन है। अच्छा अच्छा बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਛਾ ਓਏ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਜੀ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ लेकिन
लो जी फिर आज माशाल्लाह व्हील चेयर का तोहफा आ गया, खुशी हुई है। लो जी अपने अज का मुकम्मल तोहफा व्हील चेयर और यानी कि अलहमदुलिल्लाह 2000 रुपया साड़ी जिदा तुसी माशाल्लाह औरत होने के नाते अपने वालद का किरदार अदा किया ना तुहाडी बहन ने किरदार अदा किया इदा ही मैडम सादिया साहिबा वा उन्होंने वालदे मोहतरम चौधरी रियाज अहमद मरहूम जो कि दुनिया तो कूच फरमा गए दिली दुआ करनी अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और बिलखसूस मैडम सादिया साहिबा ने उन्होंने बहन ने यानी कि तुम्हें तोहफा पेश किया। मुबीन भाई कैसी कुदरत ने जोड़ मिलाया कि मैडम सादिया साहिबा और उन्होंने बहन दोवें ने रल के दोवें भैनों ने माशाल्लाह तोहफा पेश किया यानी कि अल्लाह पाक ने औरतों का काम औरतों को ही लिया। सुभान अल्लाह कैसी यानी कि माशाल्लाह मिसाल। चौधरी रियाज अहमद वास्ते दुआ करोगे की बच्ची करोगे की करोगे उन्होंने वास्ते जी। आमीन आमीन अल्लाह पाक खास और साड़ी भैणा उस साड़ी भैन वास्ते ज्यादा भैणा वास्ते ज्यादा दुआ करे अल्लाह उन्होंने होर ज्यादा तौफीक अता फरमाए अल्लाह होर साड़ियां भैणा नु आसानियां अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन ते बजी अपने जो एक मिसाल लई वालदा यानी कि फोत हो गई फिर साहब जारा अल्लाह माफ करे उतो यानी कि लत्तां दा मसला परेशानी तो फिर बहुत ज्यादा वधी होनी है कि भाई किदा अपनी जिंदगी बसर कर हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम किन-किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। सही लेकिन भाजी एक कुरान पाक दी आयत है इन्ना माल उसर युसर अल्लाह ताला कहंदा जे पहलो तंगी है ना मुश्किल आ आजमाइशा वा फिर अल्लाह ताला कहंदा कि उस तो बाद फिर मैं थोनू की कुछ दंदा खुशियां अपने अनामात अल्लाह ताला इन्ना बंदे नु हैप्पी कर देंदे है बहुत ज्यादा खुशियां अता फरमांदे है कि मेरे बंदे ने नहीं ना वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैंने सुना है टीवी पर लेकिन हम दोनों अपनी जिंदगी पे खुश हैं लेकिन हमें जब अपने बाबा को और अपनी बहन को देखते ना इस वजह से हमने हमें थोड़ा तकलीफ होती है। अल्लाह ताला बाजी लेकिन थोड़े वाले साहब ने दुनिया च रह के जन्नत दे बड़े मुकाम अल्लाह ताला दे हुक्म ना हासिल कीते हैं। देखो ना बाजी अगर अल्लाह दी जात ने तुहानू पैदा कीता ना मजदूर सब तो पहला तो चाचा जी सलूट दे काबिल है कि उन्होंने 25 साल हो गए दिलो कभी अल्लाह दी नाशुकरी नहीं कीती जी उन्होंने शुक्र अदा किया। 25 साल पहलो शादी करके होदर जिंदगी भी गुजार सकते सी लेकिन जेड़ा तुसी अपना काम फर्ज अदा कीता अल्लाह ताला इहदा थोनू दुनिया च भी बहुत ज्यादा अजर अता फरमाए आखिरत च भी अल्लाह ताला आला शाना ना अता। आमीन आमीन। लो जी मुबीन भाई हुण मैं मैडम सादिया साहिबा उन्हां दी बहन वास्ते बिलखसूस उन्हां दे वालिद साहब वास्ते दुआ करदा अल्लाह ताला किसे दी आमीन कबूल करके उन्हां वास्ते सदका जारिया और बिलखसूस चौधरी रियाज अहमद वास्ते समझ लो कि सदका जारिया बना के उन्हां नूं करवट करवट जन्नत अल्लाह आमीन जी जी भाई दुआ फरमाओ। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह अज दा मुकम्मल व्हील चेयर प्लस 2000 दा तोहफा मैडम सादिया साहिबा उन्हां दी बहन दी तरफों पेश किया गया अपनी बारगाह कबूल फरमा। आमीन। मौला मैडम सादिया साहिबा उन्हां दी बहन दे वालदे मोहतरम चौधरी रियाज अहमद मरहूम नूं करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम अता फरमा। मौला उन्हां दे वालदे मोहतरम दे गुनाहां नूं नेकियां दे अंदर बदल दे। मेरे मौला दो बहनां मिलके तेरी मखलूक दी किस तरह खिदमत कर रहियां ने मौला यही तमाम काम दुनिया व आखरत वास्ते उन्हां दे वास्ते नेमुल बदल सदका जारिया बना और मौला नेमुल बदल दुनिया व आखरत दी नेमतां दे नाल माला माल फरमा। बिलखसूस मौला मैडम सादिया साहिबा दी बहन नूं सेहत व सलामती वाली उन्हां दी पूरी फैमिली नूं खुशहाली वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क। आमीन। लो जी अस्सलाम वालेकुम।